माय फैमिली में प्रकाश चक्रवर्ती स्काई फिटनेस दुर्ग से। तो हमारा आज का फेवरेट एब्स वर्कआउट रूटीन लेके आ चुका हूं, जिसमें आप लोगों को 100% इफेक्ट दिख जाएगा अपने एब्स में। मगर जिनका बॉडी फैट परसेंट कम है, वो अगर इस वर्कआउट को परफॉर्म करेंगे तो इजीली उनके एब्स विजिबल होने लग जाएंगे 2 वीक्स के अंदर। जैसे मैंने जितने भी अभी अपने एब्स के प्रोग्राम्स लेके आए हुए हैं आप लोगों के लिए, पुराने से लेके अभी तक में, 2 से 3 वीक तक आप लगातार अगर इस एब्स वर्कआउट रूटीन्स को फॉलो करोगे तो यार 100% आपके एब्स विजिबल हो जाएंगे। मगर ये उनके ऊपर लागू होगा जिनका बॉडी फैट परसेंट कम है और वो कंसिस्टेंट रह के ट्रेनिंग कर रहे हैं, वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं, कार्डियो कर रहे हैं, तो उनका एब्स विजिबल हो जाएगा। मगर जिनका बॉडी फैट परसेंट ज़्यादा है, उनके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। और वो टाइम इसलिए लगेगा क्योंकि उनको कंसिस्टेंट रह के ट्रेनिंग करना होगा, फिर अपने डाइट को कंट्रोल में रखना होगा, तब जाके इस तरीके की ट्रेनिंग उन पे भी इफेक्ट दिखा पाएगी। और जितने भी नए भाई देख रहे हैं, वीडियो पसंद आएगी तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन को हिट करना, ताकि यार आप लोगों तक भी सारे वीडियो के नोटिफिकेशन पहुंच सके। आप भी एक नेचुरल मसल बिल्डिंग गोल वर्कआउट के थ्रू हमारे साथ मिलकर अचीव कर सको। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का एब्स वर्कआउट, जो बॉडी वेट ट्रेनिंग से हम स्टार्ट करने वाले हैं। और फर्स्ट में आप लोगों को प्लैंक से स्टार्ट करवाऊंगा, जो आप लोग इस तरीके से करेंगे, एटलीस्ट 1 मिनट का आप लोगों का प्लैंक होगा। बॉडी का फॉर्मेट अच्छे से देख लो, और जैसे ही आप लोगों का 1 मिनट का ये वाला प्लैंक हो जाएगा, फिर आप यहां पे 30 सेकेंड्स का साइड वाला ले लेंगे। फिर इस साइड से ले लेंगे, तो ये 3 प्लैंक आप लोगों के, मेन वाला 3 मिनट्स का होगा, 1-1 मिनट करके करोगे, और साइड साइड वाले को 30-30 सेकेंड्स के गैप में करोगे। बट तीनों को आप एक साथ ऐड करते हुए परफॉर्म करना। और ऐसे ही आप लोगों को ये राउंड का पहला सेट्स हो जाएगा, 3 सेट्स लेना है। तीनों को जब एक साथ परफॉर्म करोगे तो एक सेट होगा, ऐसे 3 सेट लेना है इसके, जिसमें 3 मिनट का प्लैंक है और 90 सेकंड का साइड वाला प्लैंक, 90 सेकंड का साइड वाला प्लैंक। मगर आप लोगों को करना कैसे, फर्स्ट 1 मिनट ऐसे, फिर 30 सेकंड ऐसे, 30 सेकंड ऐसे, तब एक सेट होगा, ऐसी 3 सेट परफॉर्म कर लेना। यहाँ आप लोगों का बॉडी वेट ट्रेनिंग का हमने वर्कआउट करवाया है, अब इसके बाद फिर से बॉडी वेट ट्रेनिंग का ही मैं वर्कआउट कराऊंगा, जो आपको बहुत ईजी लगेगा। फर्स्ट आप इसे परफॉर्म करेंगे माउंटेन, जैसे ही आपका माउंटेन हो जाएगा इस तरीके से आप प्लेट ले लेंगे और साइक्लिंग करेंगे। प्लेट की जगह बॉल को पकड़ लेता हूं, आप कोई भी प्लेट को ऐसे पकड़ लीजिए, या ऐसे अगर आपके जिम में बॉल है तो बॉल को पकड़ लीजिए। तो इसे आप लोगों को माउंटेन को 10 बार, इसे 10 बार, और जैसे ही ये दोनों हो जाएंगे, फिर आप थर्ड इसे लेंगे 10 बार, तो ये सारे आपके लोअर वैली के बॉडी वेट ट्रेनिंग थे, जिसमें आपको कोई मशीन या कोई डंबल का यूज नहीं करना है, सिंपल तरीके से परफॉर्म करना है। 10-10 बार होगा तीनों, और तीनों को एक साथ ऐड करते हुए परफॉर्म करेंगे। फिर से एक बार आप लोगों को परफॉर्म करके बता दे रहा हूँ, ताकि आप लोगों से मिस्टेक ना हो। फर्स्ट आप यहाँ पे 10 बार माउंटेन लेंगे, और जैसे 10 बार माउंटेन हो जाएगा आप लोगों का, बॉल या प्लेट पकड़ लेना और इस तरीके से साइकिल को ले लेना, और जैसे ही आप लोगों का साइकिल हो जाएगा, इसे 10 बार ले लेना। जब ये तीनों को आप एक साथ परफॉर्म करेंगे तब एक सेट होगा, ऐसे 3 सेट ले लेना, वेट का यूज नहीं होगा। और इससे जो पहले वाला राउंड था वो 10-10 का 3 सेट्स है, और तीनों को एक साथ ऐड करते हुए परफॉर्म करोगे तब एक सेट होगा, ऐसे 3 सेट ले लेना। उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे, ऐसा डिक्लाइन बेंच ले लेंगे, और डिक्लाइन बेंच में हम भी 3 चीज को एक साथ परफॉर्म करेंगे, और ये तीनों चीज बहुत अफेक्टेड होगा। बस आप लोग सही तरीके से परफॉर्म करना, क्योंकि यार
बहुत मजा आएगा ऐसे परफॉर्म करने में आप लोगों को, ऐसे आप डिक्लाइन बेंच प्रेस में लेट जाएंगे। फर्स्ट इसे ले लेंगे 10 बार, जैसे ही आपका ये 10 बार हो जाएगा फिर आप अपना हाथ ये इधर पे रख लेंगे और इसे ले लेंगे 10 बार, और जैसे ही ये 10 बार हो जाएगा फिर आप हल्का सा ऐसे उठेंगे और इसे लेंगे 10 बार। बट तीनों को एक साथ ऐड करते हुए परफॉर्म करना है ताकि आपके सिक्स पैक आपको फास्ट दिखने लग जाए। क्योंकि देखो यार, अगर मैं आपको बोलूंगा 10 बार एक सेट को लगातार 3 सेट लो तो बहुत इजी लगेगा, मगर जब तीनों को आप एक साथ ऐड करते हुए परफॉर्म करते हो तो इसमें आपका एनर्जी सोर्स तो बहुत ज़्यादा लगता ही लगता है, साथ में कैलोरीज भी बर्न बहुत अच्छी होती है और मसल टारगेट भी परफेक्ट हो पाता है जिस मसल्स को आप टारगेट कर रहे हो। जैसे अपर एप्स को कर रहे हो तो अपर एप्स, लोअर एप्स को कर रहे हो लोअर एप्स, तो ओवरऑल आपका पूरा टारगेट होगा एप्स और मसल माइंड कनेक्शन भी बहुत अच्छा हो जाएगा इस वर्कआउट के थ्रू आपका। तो ऐसे ही आप लोगों को ये भी बिना वेट बिना किसी चीज के तीनों को एक साथ 10-10 करते हुए 3 सेट परफॉर्म कर लेना है। इसके बाद अभी कोई वेट का यूज नहीं होने वाला है, बट ये एक तरीके से बोले ये कार्डियो भी है और ओवरऑल आपके बैली और साइड फैट्स के लिए बहुत अच्छा वर्कआउट है। तो इसको भी आपको 3 चीज को एक साथ ऐड करते हुए परफॉर्म करना है, तीनों आपका 10-10 बार होगा। फर्स्ट आप इस तरीके से इसे पकड़ लेंगे, अगर आपके पास ये वाला नहीं है तो आप किसी भी वॉल पे ऐसे अपना हाथ रख लीजिएगा, वॉल पे हाथ रख के आप फर्स्ट इस तरीके से 10 बार जंप करेंगे और जैसे ही आपका 10 बार जंप हो जाएगा फिर आप इसे 10 बार कर लेंगे, दोनों पैर से करेंगे तब एक बार होगा, ये भी दोनों पैर से करेंगे एक बार होगा, ठीक। फिर आप मुड़ जाएंगे और मुड़ने के बाद से 10 बार करेंगे। तो यहां भी आपको ये तीनों चीज को एक साथ ऐड करते हुए परफॉर्म करना है और जिनके पास ये सब नहीं है उनको मैं बताना चाहूंगा कैसे परफॉर्म करेंगे। आप पास नहीं है वो कैसे करेंगे परफॉर्म, ऐसे दीवार में आप टिक जाएंगे और दीवार में टिकते हुए आप इस तरीके से जंप कर लेंगे जो बैली को इफेक्ट करेगा। फिर आप कोई भी बेंच ले लीजिए और बेंच में ऐसे अपने हाथ को रख लीजिए और इस तरीके से इसे 10 बार कर लेंगे, फिर आप घूम जाएंगे और घूमने के बाद इस तरीके से 10 बार कर लेंगे। बट तीनों को यार एक साथ ऐड करते हुए परफॉर्म करना ताकि आपके कोर के साइड फैट आपके बेली फैट्स अच्छे से टारगेट हो सके और जल्दी जल्दी कटना स्टार्ट हो जाए। तो यहाँ ये तीनों को आपको 10-10 करते हुए 3 सेट्स लेना, बट तीनों को एक साथ ऐड करोगे तब एक सेट होगा, ऐसे 3 सेट ले लेना। इसके बाद सिंपल वर्कआउट दे देता हूँ, वैसे भी बहुत काफ़ी है इतना वर्कआउट आपके एप्स के लिए, बट जो यार थोड़ा हार्ड कोर ट्रेनिंग करना चाहते हैं जैसे मैं, इतने में तो मेरा नहीं होने वाला है, मुझे लगता है कि मेरे अंदर और एनर्जी बची रहेगी, तो मैं यहाँ पे कुछ मशीन का वर्कआउट ऐड कर दूंगा और कुछ मैनुअल करूंगा। अगर आप चाहो तो कर सकते हो, वरना इतना 10 से 15 मिनट का आपका एप्स का वर्कआउट था जो मैंने आपको बताया वहीं पर ख़त्म हो चुका है। बट जिनको और अच्छे से अपने एप्स में डेफिनेशन चाहिए, विजिबिलिटी चाहिए, वो इसे भी परफॉर्म कर लेंगे। जहाँ पे आपको मैं फर्स्ट इसे बताऊंगा जो आपका 15 बार होगा, फिर यहाँ पे हैंगिंग ले लूंगा मैं 15 बार जो मेरा फेवरेट वर्कआउट है, फिर थर्ड में यहाँ पे इसे ले लूंगा, ये भी मेरा फेवरेट है, जिनके पास ये नहीं होगा वो इस तरीके से
इसे भी ले सकते हैं। तो ये तीनों को 15-15 बार करना है, बट तीनों को एक साथ ऐड करते हुए परफॉर्म करेंगे तब एक सेट होगा, ऐसे तीन सेट ले लेंगे। यहाँ पे ओवरऑल हमारा एब्स का वर्कआउट कंप्लीट होता है जो एटलीस्ट 10 से 15 मिनट का होगा, मगर सारे वर्कआउट में आप लोग को एक ही चीज का ध्यान रखना है, रेस्टिंग टाइम बहुत कम रखेंगे आप लोग, और जब भी जिस सेट्स को स्टार्ट करोगे उसको पूरा कंप्लीट कर लेना, तीनों को एक साथ कंप्लीट करोगे तब उसके बाद भले रेस्ट लेना। बस ये मत करना कि यार एक चीज कर लिए फिर रेस्ट लेके सेकंड चीज कर रहे फिर रेस्ट लेके थर्ड चीज कर रहे, ऐसा नहीं। तीनों को एक साथ बिना रुके फास्ट करोगे तब जाके आपके एप्स में डेफिनेशन और विजिबिलिटी इजिली आपको देखने मिल पाएगी जिनके बॉडी फैट परसेंट कम है। और जिनका बॉडी फैट परसेंट ज्यादा है यार, उन्हें कुछ नहीं करना है, पहले अपने डाइट्स को कंट्रोल करना है, डाइट्स को मैनेज करना है, कैलरीज को काउंट करना है, डेफिशिएंस में आओ, इंटरमीडिएट फास्टिंग करके देखो, थोड़ा सा यार अपने डाइट को चेंज करो, राइस को चेंज कर लो, फॉर एग्जांपल ओट्स से, जैसे अभी मैं भी करके रखा हूँ, ओट्स से चेंज किया हूँ, अभी राइस कम ले रहा हूँ और रोटी की जगह मैं ब्राउन ब्रेड लेना पसंद कर रहा हूँ, कि अभी यार कैलरी डेफिशिएंसी में, तो जितना कम कैलरीज इंटेक करूंगा और जितनी ज़्यादा मेहनत करूंगा उतना जल्दी जल्दी यार मसल्स मेरे ग्रो होंगे, और प्रोटीन इंटेक हाई रखना यार, जब आप कैलरीज अपने काफ्स के कम करते हो तो प्रोटीन इंटेक्स को हाई कर देना, जिससे आपको प्रोटीन की कैलरीज उतना ज़्यादा फैट्स नहीं देगी, उल्टा आपको फैट लॉस में हेल्प करेगी वो, ठीक है, ये ध्यान रखना। बस आगे जाके हम लोग कुछ दिन बाद डाइट प्लान के भी वीडियोस लेके आ जाऊंगा आप लोगों के लिए, और अच्छे से डिटेल में समझा पाऊंगा जैसे इसमें समझा रहा हूँ, कि अगर आप लोग इस तरीके से ट्रेन करोगे तो ऐसा ऐसा आपको रिजल्ट दिखेगा। बस आप लोग इसी तरीके से मेरे साथ बने रहिएगा और अपना सपोर्ट बना के रखिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियो लेके आ सकूँ और ऐसी आप लोगों के ट्रांसफॉर्मेशन में आप लोगों की हेल्प कर सकूँ। और आप भी मेरा हेल्प कर दिया करो यार, लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड सपोर्ट मी, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, बाय।